शुरुआत खबरों की करेंगे झारखंड के साथ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। बजट सत्र के पहले दिन परंपरा के अनुसार राज्य के राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया। अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार की नीतियों की तारीफ की। सरकार की तरफ से राज्य में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं से सदन को अवगत कराया। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जो विपक्ष है उन्होंने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये केवल सरकार की तरफ से पत्र था जिसे राज्यपाल ने पढ़ने का काम किया है। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा है कि राज्यपाल ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका कोई आधार नहीं है। इधर कांग्रेस ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष हमेशा इस तरह की बातें करती है, जरूरत है कि सदन अच्छे से चले और इसमें विपक्ष सरकार का सहयोग करे। देखिए विपक्ष तो ये तो हम मैं भी विपक्ष में होता तो ही कहता कि झूठ का पुलिंदा है, लेकिन अभिभाषण अब है कि उस अभिभाषण में धन्यवाद का जो हम लोग जवाब देंगे, उनकी बात आएगी, इसमें बहुत सारी चीज़ों को लाया जाएगा। और पहले तो हम चाहेंगे कि हाउस अच्छा व्यवस्थित तरीके से चले, बहुत सारा इशू है और जब तक हाउस में डिबेट नहीं होगा तब तक इसका फलाफल नहीं हो पाएगा। एक नियम है, नियम के अंदर सरकार अपने आंकड़ों को राज्यपाल महोदय को देती है, राज्यपाल फिर अपने अभिभाषण में चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, ये परंपरा चली आई है। और जो पदाधिकारी आंकड़े देते हैं उसके आधार पर राज्यपाल का अभिभाषण बनता है, माननीय राज्यपाल फिर महामहिम राज्यपाल इसको सदन के अंदर प्रस्तुत करते हैं। सरकार ने कई ऐसे चीज़ों का उल्लेख किया है जिसका कोई सरोकार ग्राउंड रियलिटी में नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब माननीय महामहिम राज्यपाल ने ये कहा कि नीति निर्धारण को लेकर सरकार सजग है, अब आप बताइए कि किस प्रकार की नीति बनी है कि एक भाषा से दूसरे भाषा को लड़ाने का काम सरकार कर रही है। बजट सत्र आज से प्रारंभ हुआ है और इस बजट सत्र का सबसे पहले हम ये आशा करेंगे ये राज्य के लिए और राज्य को समर्पित हो, क्योंकि जितने भी दिन निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि बजट सत्र में काम बहुत होता है और इसके साथ साथ इन कई प्रदेश के ज्वलंत विषयों पर प्रश्नकाल से लेकर मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी आता है। उम्मीद करते हैं कि सरकार समुचित रूप से इसको संचालन में शेष लोगों का सहयोग करेंगे। हम इस हाउस से ये उम्मीद करेंगे कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर झारखंड गठन के उद्देश्य को बड़े मुद्दों पर सरकार विचार करेगी। के अभिभाषण में हमें उम्मीद थी कि नीतिगत बातों पर भी जोर रहेगा और यह राज्य आगे बढ़ेगा, किस तरह से बढ़ेगा और उसकी एक दीर्घ अवधि का दृष्टिकोण रहना चाहिए था, एक अल्पकालीन दृष्टिकोण रहना चाहिए था। तो इसका अभाव है, केवल सरकार ने जो कुछ कार्यक्रम किए हैं उनका उल्लेख है मगर उन कार्यक्रमों से यह राज्य कितना मजबूत हुआ है, यहाँ की जनता कितना सशक्त हुई है, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हुई है, इसकी कोई विवेचना नहीं है। और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि आंकड़े जन कल्याण की योजनाएं बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसे समाज के लक्षित लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना आसान हो जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि आंकड़ों की मदद से ही राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा से छूटे लोगों को हरा राशन कार्ड बनाकर लाभान्वित करने का काम किया है, साथ ही विभिन्न तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचितों को जोड़ा जा सका है। वहीं शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल 2020 के विमोचन कार्यक्रम में वो बोल रहे थे, जिस दौरान डॉक्टर उराव ने कहा है कि झारखंड ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल 2020 को कॉलेज और विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी में रखा जाएगा। इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े आंकड़े छात्रों को शोध आदि कार्य में काफी मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक से आने वाले समय में विशेष कालखंड के सरकार के काम के विवरण को भी लोग जान सकेंगे। उन्होंने कहा कि आमजन को भी राज्य की हकीकत का पता आंकड़ों के माध्यम से चल सकेगा। इसके लिए झारखंड ए स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल 2020 को सांख्यिकी निदेशालय की वेबसाइट पर 2 मार्च को अपलोड कर दिया जाएगा। मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध।
की कृपया और झारखंड में कोरोना के मामले कम होते हुए देख अब सरकार की तरफ से छूट बढ़ाई जा रही है। आज आपदा प्रबंधन की बैठक में सरकार ने राज्य में लगे प्रतिबंध में बड़ी छूट दी है। बता रहे कि आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अब रात 8 बजे के बाद भी सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। सरकार ने 7 जिलों में बंद सभी स्कूलों को भी खोलने का निर्णय लिया है। 7 मार्च से स्कूल खुल सकेंगे। पार्क, पर्यटन स्थल, स्विमिंग पूल भी खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। शादी समारोह और किसी कार्यक्रम में 200 की जगह अब 500 लोग एकत्रित हो सकते हैं। वहीं रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा घर अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगे। हालांकि मेला, जुलूस और प्रदर्शनी पर पाबंदी जारी रहेगी। और 8 बजे का जो बंद का और रात 8 बजे का जो बंद का प्रतिबंध था उसको मुक्त कर दिया गया है। अब रात 8 बजे बंदी से मुक्ति दे दी गई है। अब पुराने सुचारू रूप से वो चले आएंगे। और जो 200 लोगों का ये था कि एकत्रित 200 लोग होंगे, उसके जगह 500 लोगों को हम लोगों ने रिलैक्सेशन किया है। और साथ ही साथ ये रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा, इसमें 50% की बाध्यता को समाप्त करते हुए 100% जो है रेस्टोरेंट, बार और सिनेमा में 100% की जो है उनका सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो अपना काम कर सकेंगे। तो वहीं झारखंड सरकार की ओर से राज्य भर के सरकारी स्कूलों के छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने की योजना की शुरुआत हो गई है। जमशेदपुर के सभी 13 सरकारी स्कूलों की छात्राओं को ट्रेन करने का जिम्मा झारखंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर को दिया गया है। इसी क्रम में मानगो दाई गुट्टू गांधीनगर स्थित झंडा सिंह मध्य विद्यालय की छात्राओं के लिए 13 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जहां छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण शिल्पी दास ने बताया है कि अक्सर छात्राएं किसी न किसी रूप से अज्ञानता के अभाव में राहगीरों की प्रताड़ना का शिकार हो जाती है। इस प्रशिक्षण शिविर के जरिए छोटी छोटी जानकारियां उन्हें दी जा रही है ताकि वो आत्मरक्षा के गुण सीख सके और किसी भी संभावित खतरे से खुद को अलर्ट रखते हुए उससे निपट सके। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के सभी स्कूलों में इस तरह के शिविर लगाकर छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने झारखंड सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को बेहतरीन पहल बताया है। सबसे पहले मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है झारखंड मार्शल ट्रेनिंग सेंटर। मैं आई हूँ मानगो दाईगुट्टू मध्य विद्यालय में, झंडा सिंह मध्य विद्यालय में। मेरा मेन मोटो है यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं उनको सेल्फ डिफेंस, अपना सुरक्षा करना सिखाना कि कहाँ मारने से उनको, अगर उनके प्रति कोई गंदी नज़र या बुरी हाथ डाले कोई भी, उनको अपना डिफेंस कैसे करना है, अपना सुरक्षा कैसे करना है, कहाँ वीक पॉइंट है जहाँ मारने से उसको चोट लगेगा, वही मैं बच्चे लोगों को सिखा रही हूँ। वहीं बुलबुल जंगल में लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान शुक्रवार को सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। अभियान के दौरान लगभग 20 की संख्या में अलग अलग तरह के राइफल और बंदूकें बरामद की गई हैं। जवान जो है वो बरामदगी के बाद भी आगे निरंतर सर्च अभियान चलाया जा रहा है उसमें जुटे हुए हैं। चप्पे चप्पे पर छापेमारी की जा रही है। 3 अलग अलग जिलों के लगभग 500 से ज्यादा जवान इस अभियान में बीते 15 दिनों से जुटे हुए हैं। बीते 18 फरवरी को भी पुलिस ने हथियारों और विस्फोटकों का जखीरा बरामद करने में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इसके बाद निरंतर नक्सलियों की गिरफ्तारी के अलावा हथियारों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। तो वहीं कल देर शाम जामताड़ा के वीर गांव स्थित बराकर नदी में नाव दुर्घटना के बाद एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और नदी में डूबे लोगों की खोजबीन की जा रही है। 16 लोग नाव में सवार होकर धनबाद से जामताड़ा की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में तेज आंधी के कारण नाव पलट गई। घटना में 4 लोग
तैर कर बाहर आ गए और अपनी जान बचाई। अब तक 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई है। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और पुलिस तैनात किए गए हैं। 18 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एक भी लापता का सुराग नहीं पता चल सका है। मौके पर जामताड़ा के SDO संजय कुमार पांडे पुलिस टीम के साथ कैंप में वहां पर मौजूद रहे। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है और उन लोगों को ढूंढने की कवायद भी लगातार की जा रही है। घटना घटा बीच हम लोग आ गए और पूरा आंधी तूफान आ गए तो हम लोग एकदम टावर के नीचे चला गए तो नाठो एकदम पलटी हो गया तो सब हम लोग गिर गए तो सब डूब गया। कल रात में ही शुरू हो गया था इंस्पेक्शन ऑपरेशन हम लोग का। कल हम लोग कई बार प्रयास किए, कुछ सफलता नहीं मिली। आज सुबह से फिर 6:30 जब कुछ स्टार्ट कर दिए हैं। अभी गांव वाले भी अपनी टीम लेकर निकली हुई है, जो प्रशिक्षित गोताखोर को लगाया गया, साथ में DRF की टीम भी है। रुकिंग छोर से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे खबरों के साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे झारखंड के धनबाद जिले की, जहां पर धनबाद नगर निगम की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन निगम द्वारा कभी टैक्स के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है, तो कभी फुटपाथ दुकानदारों पर डोजर चलाकर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाए गए हैं। अब नगर निगम निजी घरों को भी टारगेट कर डोजर चलवाने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। ताजा मामला धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित एक निजी घर में डोजर चलाने के लिए निगम ने घर वालों को 1 घंटे की मोहलत दी, कहा कि जल्द घर खाली करें नहीं तो डोजर चला दिया जाएगा। वहीं निगम से पीड़ित राहुल ने बताया है कि पूर्व में एक घर खरीदी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा आगे कि बरसात में नाली का गंदा पानी घरों में घुस जाता है, इसलिए नाली पर स्लेप हम लोग डाल दिए गए हैं, जबकि नाली का गंदा पानी घरों में ना जाए, जिसके लिए ये काम किया गया। इतने दिनों से निगम कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ था, आज अचानक निगम जाग गया और कहता है कि घर में डोजर चला दिया जाएगा। मामला ये है कि घर आए दिन सब डूब जाता था हम लोग का, जो बरसात के समय के में संतोष, उसमें क्या है कि बगल वाले हमारे 7 नंबर घर बेच के चले गए 40-50 लाख रुपया में। आप ये सोच सकते हो कि हम लोग का घर डूबने के कारण हम इस पे स्लैब दिया, निर्माण इस पे कुछ 3 वो चैम्बर दे दिया कि जिससे कि ये कभी भी घर में हम लोग का पानी आए बाहर का नहीं आएगा। तो अब नगर निगम को नींद खुल गया कि इस पर अवैध निर्माण कर रहे हैं या कुछ, हम इस पर अवैध कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने इस पर स्लैब डाला है, 2-3 चैम्बर छोड़ दिया है कि जिससे भी कभी भी नगर निगम को हाउसिंग बोर्ड को कभी भी कुछ भी करने में कोई सुविधा असुविधा नहीं हो। अब निगम के अधिकारी जाग गए हैं, बोलते हैं कि इस पर हम डोजर चला देंगे। हम बोले कि डोजर हम क्या घर बेच के चले जाएं? हाउसिंग बोर्ड सिर्फ रहने के लिए जितना आदमी मकान पे खर्च कर दिया, हाउसिंग बोर्ड टैक्स लेता है, वाटर टैक्स, होल्डिंग टैक्स, फलना टैक्स, दुनिया टैक्स, क्या हम लोग को सुविधा प्रदान कर रही है? और धनबाद पुलिस और आम जनों का समन्वय स्थापित हो सके, इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस के द्वारा विभिन्न स्कूलों को चिन्हित कर साइबर क्राइम के नियम और आपराधिक घटनाओं से संबंधित मामले के साथ साथ पुलिस और पब्लिक का समन्वय स्थापित हो, इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज धनबाद के DPS स्कूल में पुलिस एक पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर धनबाद SSP संजीव कुमार, DSP साइबर एवं DSP लॉ एंड ऑर्डर अमर कुमार पांडे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के अलावा DPS स्कूल के प्राचार्य सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके अलावा
डीपीएस स्कूल के प्राचार्य द्वारा बुके देकर पुलिस प्रशासनिक लोगों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही अपराध नियंत्रण, साइबर क्राइम और ट्रैफिक नियम से संबंधित कई जानकारियां भी थी। आज हम लोग डीपीएस स्कूल आए हैं, लोगों से जो यहाँ के यंग स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनको पुलिस के बारे में बताने के लिए और उनसे पुलिस के बारे में जानकारी भी हासिल करने के लिए कि किस हिसाब से वो हमें मदद कर सकते हैं और हम किस हिसाब से काम करते हैं। पुलिस का जो एक अपना इमेज है उसको हम लोग चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और जो युवा हैं युवा के साथ जुड़ करके हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं गुमला जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया घाघरा में अग्निशमन को लेकर जागरूकता अभियान का आयोजन शुक्रवार को किया गया। आयोजन के मौके पर फायर टीम इंचार्ज अजय कुमार और उनके सहयोगी सुनेश्वर सिंह रॉकी झा ने विद्यालय में उपस्थित होकर अग्निशमन जागरूकता अभियान से संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में सभी को उचित और महत्वपूर्ण जानकारी दी। मौके पर फायर टीम इंचार्ज ने छात्रों को बताया कि कभी भी गैस सिलेंडर टंकी में अगर आग लग जाती है तो आप सभी को डरना नहीं है, आप सही तरीके से उपायों के माध्यम से आग बुझाने का काम कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थियों को आग से सुरक्षा और सतर्कता कैसे बरते उसे लेकर गैस सिलेंडर में आग लगाकर छात्रों के बीच आग बुझाने का सफलतापूर्वक जो प्रयोग है वो भी किया गया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर विश्वनाथ खिलर सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और चतरा सदर थाना क्षेत्र के ऊंटा गांव में चाची और 9 साल के भतीजे की मौत चेक डैम में डूबने से हो गई। बताया जा रहा है कि ऊंटा गांव की महिला गांव से ही सटे हदहदवा नदी पर बने चेक डैम में कपड़ा धोने के लिए गई हुई थी, साथ ही उसका 9 साल का भतीजा भी उसके साथ नहाने के लिए गया हुआ था। नहाने के दौरान ही भतीजा चेक डैम में डूबने लगा, इसे देखते हुए महिला भतीजे को बचाने के लिए पानी में उतर गई, लेकिन महिला बच्चे को बचाने के बजाय खुद भी डूबने लगी। चेक डैम के पास खड़े लोगों ने उन्हें देखा और बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चेक डैम में डूबने से दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर जिला परिषद उपाध्यक्ष रूबी वर्मा और चतरा बीडीओ गणेश रजक घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना से ऊंटा गांव में मातम का माहौल है। जिला परिषद सदस्य रूबी वर्मा ने सरकार से मृतक परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। वहीं सदर बीडीओ गणेश रजक ने कहा है कि सरकार के द्वारा जो उचित मुआवजा होगा हर संभव प्रयास करेंगे कि परिजनों को वो मिल सके। आज चतरा प्रखंड के ऊंटा गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें चाची और भतीजा का दोनों का ही नदी में डूबने से मौत हो गया। मतलब पहले बच्चा डूबा और चाची बचाने के क्रम में उसका मौत हो गया, लेकिन चाची का डेड बॉडी तो तुरंत निकल गया और बच्चे का काफ़ी मशक्क़त के बाद 1 घंटा बाद मिला, लेकिन दोनों का डेड बॉडी मिल गया है। और इनके जो हस्बैंड है वो दैनिक मजदूरी के लिए गुजरात में अभी हैं। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इनको जो आपदा प्रबंधन के द्वारा जितना भी है 5 लाख की जो राशि है इनको मिले, ताकि इनका परिवार है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पालन पोषण हो सके। और लातेहार के बरवाड़ी प्रखंड मुख्यालय के बाजार निवासी मनोज प्रसाद की बेटी राजनंदनी यूक्रेन में फंसी हुई है। पूरा परिवार परेशान है और लगातार पीएमओ, मुख्यमंत्री, स्थानीय सांसद और जिले के उपायुक्त से मदद की गुहार लगा रहा है, ताकि उनकी बेटी को सुरक्षित यूक्रेन से निकालकर वापस भारत लाया जा सके। राजनंदनी के माता पिता लगातार बेटी से संपर्क बनाए हुए हैं, जहां बेटी अपने माता पिता को खुद सुरक्षित होने के साथ साथ वर्तमान हालातों को लेकर चिंता जाहिर करने की भी बात सामने आई है। बच्चे लोग तो वहाँ बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और वहाँ के हालात जो भी है जो दयनीय है, और हम भारत सरकार से, स्टेट सरकार से और यहाँ के डीसी साहब से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को जो जितना हो मदद किया जाए कि हमारे बच्चे लोग आ जाएं सुरक्षित, यही उम्मीद करेंगे हम।
और अब रुख करेंगे बिहार की खबरों का। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ यह सत्र 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 22 बैठकें होंगी। सदन में सत्ताधारी गठबंधन की रणनीति तय करने को लेकर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सुशासन में व्याप्त अफसरशाहियों पर सवाल खड़े किए। वहीं मुकेश सहनी ने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार की हालत ऐसी है कि विधायकों को पीछे बैठाया जाता है और अधिकारी आगे की कतार में बैठते हैं, जबकि प्रोटोकॉल में विधायक सचिव से ऊपर होते हैं। वहीं मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री के सामने ही मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि जब हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है तो मंत्री से क्या फायदा। जीतन राम मांझी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस तरह की बात अब नहीं होगी, अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा। इसके साथ ही सत्ताधारी दल के विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार से कहा है कि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत जो राशि मिलती है उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। विधायकों ने इस राशि को 5 करोड़ करने की मांग की है। अभी विधायक विधान पार्षद 3 करोड़ की राशि को विकास कार्यों के लिए अनुशंसा कर पाते। कैमूर का एक छात्र भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। रामगढ़ प्रखंड के गोड़सरा गांव निवासी आर्मी के सूबेदार मेजर पद से रिटायर अक्षय सिंह के बेटे विकास कुमार सिंह यूक्रेन में फंसा हुआ है और ऐसे में वहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं एमबीबीएस 4th ईयर का वो छात्र हैं। फिलहाल वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सुरक्षित हैं, लेकिन परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। विकास के पिता ने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है कि मेडिकल छात्रों को एयरलिफ्ट कर देश वापस का बंदोबस्त किया जाए। यूक्रेन से उनका 13 मार्च को जो है फ्लाइट का टिकट है, लेकिन अब तो वहाँ फ्लाइट चल नहीं रही है, तो वही हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस वो आ जाए। तो देखिए सरकार का उसमें तो अपना से तो कोई पहल होगा नहीं, अब सरकार ही जो करेगा वो करेगा। हेलो एवरीवन, करेंटली आई एम इन टर्नोपिल विच इज़ इन यूक्रेन। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत वॉर जैसा सिचुएशन हो रखा है, जो कि ये वेस्टर्न पार्ट में स्टिल यहाँ पे बहुत ही डेंजरस जोन है अभी भी। यहाँ पे लाइक कभी भी साइरन बज रहा है जो वॉर के टाइम पे बजता है, एंड हमें हम बहुत ही डरे हुए हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा रॉकेट हमारे बिल्डिंग को हिट करेगा। पिछले नाइट हम पूरी नाइट बॉम्ब शेल्टर में थे, जो कि यहाँ पे बनाया जाता है अंडरग्राउंड। पूरी रात हम वहाँ पे बिताए हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला। और कटिहार के फलका प्रखंड के भंगहा पंचायत के पूर्व मुखिया किरण पटेल की छोटी निक्की यूक्रेन में फंसी हुई है। पूरा परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्व मुखिया श्रीमती पटेल ने बताया है कि उनकी बेटी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए 2017 में यूक्रेन गई थी और कॉलेज के हॉस्टल में रह रही थी। परिजनों का कहना है कि वो अपनी बेटी से लगातार फोन पर बात कर रहे हैं। अब निक्की के परिजनों ने जिला पदाधिकारी और सरकार से उनकी बेटी को भारत वापस लाने की गुहार लगाई है। जी। हमारी बच्ची यूक्रेन में निक्की पटेल, उसके दो दोस्त अभिराज ओम कुमार, ये तीनों साथ रहते हैं। ऐसे तो ढेर सारे बच्चे इंडिया के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हम जब कल 6 बजे न्यूज़ देखे कि वहाँ युद्ध छिड़ गया है तो हम बहुत घबरा गए। हम इसलिए बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि हमारी बच्चे और इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी तरह लाने का प्रयास किया जाए। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बिहार झारखंड की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।